अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, डॉली ड्राइव हर कार ऑन ए स्ट्रेट हाईवे एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म रेट पे मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो बदल नहीं रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो तुम्हें स्पीड कितनी दी गई है, 40 किलो। देखो स्पीड के सिंबल और डिस्प्लेसमेंट के सिंबल में कन्फ्यूज मत होना। अगर मैं स्पीड लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे बनाऊँगा, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे बनाऊँगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो स्पीड तुम्हें दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम तुम्हें दिया गया 2 घंटे। 2 घंटे गाड़ी चलाया, कितने घंटे गाड़ी चलाई, 2 घंटे। 2 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा किस स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या हुआ, एक ये स्टेप हो गया। उसके बाद क्या रहा है कि देन उसके बाद यानी 2 घंटे के बाद उसने गाड़ी की स्पीड इतनी कर दी 1 आवर के लिए इस स्पीड में गाड़ी चलाया, यानी 2 घंटे बाद फिर नई स्पीड गाड़ी, नई स्पीड कितनी हो गई 70, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी उसने 70 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर के लिए, टी फॉर टाइम, 1 आवर के लिए गाड़ी उसने यही स्पीड में चलाई। अच्छा एवरेज स्पीड तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे कि क्योंकि ये स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का अलग फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का देखो, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना। ये पहले सबसे पहले वाले पार्ट मैंने समझाया हुआ है, तो पहला और दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से देखना, उसके बाद ही तीसरा पार्ट करना, वरना करना मत। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल, पहले क्या था, पहले तुम्हारी स्पीड कितनी थी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब बाद में क्या वेलोसिटी रही तुम्हारी, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो सर दिया ही नहीं, सर हमें क्या क्या दिया गया, सर हमें इस टाइम तो दिया हुआ है भाई। अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। हाँ, टोटल टाइम कितना हुआ है, 2 आवर्स, 1 आवर, 3 घंटे गाड़ी चलाई हमने, कितने घंटे गाड़ी चलाई, 3 घंटे। तो यार 3 आवर्स तो नीचे लिख दिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अब क्या करें सर, यहाँ तो स्पीड स्पीड दी गई है, कोई बात नहीं, हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया हुआ है, यहाँ तो डिस्टेंस 1 निकाल लूँ। डिस्टेंस 1 बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस 1 देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बैठेगा, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1 दे दो, 1 1 वाला पहला वाला पार्ट, फिर डिस्टेंस 2 के लिए सेकेंड वाला पार्ट के लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना, मतलब सेकेंड वाला पार्ट हो गया। तो पहले वाले के लिए स्पीड कितनी है, 40, टाइम कितना है, 2 घंटा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों सर, मीटर क्यों नहीं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे आवर था, तो 80 किलोमीटर पहले वाले पार्ट में कवर किया। सेकेंड वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, अगेन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 70, टाइम है 1, यानी 70 कवर किया, 70 किलोमीटर। तो पहले वाला में 80 किलोमीटर हमने तय किया, दूसरे वाले में 70 किलोमीटर हमने तय किया, ठीक है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर आ गया और ये 70, तो 80 प्लस 70, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। नीचे लिख दिया 2 घंटे प्लस 1 घंटा, 2n + 1, 3 आवर्स। तो 8 + 7 = 15, और 1 0 बढ़ा देंगे, मतलब 80 + 70 हो जाएगा 150, एंड देन 3 अंदर रिड्यूस करेंगे, तो तुम्हारा एवरेज जो स्पीड आ जाएगा 3 × 50 किलोमीटर पर आवर में आएगा, किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। समझ गए, समझ गए सर, देखो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, कितना आसान था यार ये। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल ड्राइव है फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर ये यूनिफॉर्म बार बार क्यों आ रहा है,
देखो यूनिफॉर्म जब अगर आ रहा है ना, तो सीधा सीधा आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फॉर्मूला डाल सकते हो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एस फॉर स्पीड, अगर मैं ऐसा एस बना रहा हूँ मतलब स्पीड हो रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लग सकता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एकदम बेसिक स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो आपको ये फॉर्मूले डालने पड़ जाएंगे, स्पीड या वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला डालना पड़ जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी फॉर्मूला डालना पड़ सकता है जब स्पीड आपकी वेरिएबल हो। वेरिएबल स्पीड कौन सी स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी क्या है आपकी वेरिएबल है, अलग अलग है, कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन था यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है भाई, हमें क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से आता है कि जो भी आपको डेटा दिया हुआ है पहले तो हम लोग डेटा लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखो या वैसे लिखो, एंड रिटर्न्स बैक स्पीड वन एंड स्पीड टू, यानी जब वापस आया तो कौन सी स्पीड से आया, 20 किलोमीटर पर आवर से आया, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, एवरेज स्पीड, हमें क्या पता करना है, एवरेज स्पीड पता करना है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो यार एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला आपका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर यहां पर तो ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है, अब क्या करें सर, है डिस्टेंस टाइम दोनों कुछ तो एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए ना एक्स्ट्रा कि कम से कम इसको सॉल्व कर सकें। भाई पिछली बार आपको टाइम दिया हुआ था और स्पीड दी गई थी, तो डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर तो भाई कुछ इस तरीके से नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या, वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है बताओ, अगर तुम्हें एक स्पीड दी गई है, ये स्पीड दी गई है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है मालूम है, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई ए टू बी और वापस बी से ए आई, यही बोला ना रिटर्न्स बैक, तो डिस्टेंस बदला नहीं है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, डिस्टेंस एक ही है। अगर हम टाइम वन निकालें, देखो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या डालना पड़ेगा मालूम है, फॉर्मूला डालना पड़ेगा डिस्टेंस वन प्लस डिस्टेंस टू अपॉन टोटल टाइम, टाइम वन प्लस टाइम टू, यही फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस वन के लिए हमने डी और डी ले लेंगे, डिस्टेंस के लिए हमने क्या ले लेंगे, डी और डी ले लेंगे, मतलब डी प्लस डी क्योंकि दोनों में डिस्टेंस वही है। टाइम के लिए टाइम का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, टाइम का फॉर्मूला क्या हो सकता है स्पीड वाले फॉर्मूले से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, स्पीड ऊपर आएगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम वन हो गया, ये स्पीड वन हो गई, ये टाइम टू हो गया, डिस्टेंस का डी वही रहेगा, स्पीड टू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला डाल देंगे, टाइम वन की जगह टाइम वन का फॉर्मूला प्लस टाइम टू की जगह टाइम टू का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस हो गया टू डिस्टेंस, ओके टू डी हो गया, डी प्लस डी टू डी हुआ ना। यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टू, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है नहीं मालूम, डी स्पीड कितनी है पहली वाली 30 है, प्लस डिस्टेंस कितना है नहीं पता, स्पीड कितनी है 20 है, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 20, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बताओ, 20 और 30 का ये क्या हो सकता है LCM 60 होगा ना, तो ऊपर नीचे यहाँ 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
2d अपॉन जो हो गया 2d प्लस 3d, 2d प्लस 3d अपॉन 30 × 2 = 360, 20 × 3 = 60 हो गया। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपका बेस बहुत मजबूत है तो हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2d प्लस 3d 5d हो जाएगा। तो 2d प्लस 3d 5d, 2d अपॉन 5d इंटू ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर आ गया, d से d कट गया है ना, d से d गया तो बच्चा कितना 2 अपॉन 5 इंटू 60, 5 1 5 12 12 2 24, ठीक है 24 क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। ओके देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसे एक रेलवे ब्रिज को क्रॉस करना है, ठीक है। इफ द ब्रिज की लेंथ, ब्रिज जो लंबाई है 2.1 किलोमीटर है, समझो बात को, देखो सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ये है ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, ओके। फिर ये ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करना है, ये इतना बड़ा ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है, पूरा क्रॉस करना है, ये ट्रेन को पूरा क्रॉस करना है और यहाँ आगे जाके मतलब पूरा क्रॉस ओवर कर देना है, ठीक है ना। तो जिसमें ये ब्रिज की लंबाई कितनी है, 2.1 किलोमीटर है, ओके। और ट्रेन की स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें बोला गया है कि यह ट्रेन कितनी देर में इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी, मतलब कितना टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी, करेक्ट करेक्ट। तो देखो अब तुम्हें टाइम पूछा गया, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि स्पीड है यूनिफॉर्म तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हें टाइम निकालना, तो टाइम ऊपर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है देख लो, 400 मीटर और 2.1 किलोमीटर, सर मीटर और यहाँ किलोमीटर, सर ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, या तो दोनों को मीटर में रखो या दोनों को किलोमीटर में रखो। तो हम लोग क्या करें, किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 1000 से करेंगे, तो 2.1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 2100 मीटर हो जाएगा। तो 400 मीटर तक तो ट्रेन है प्लस और ये ब्रिज है भाई, ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो कैसे करेगी, देखो ये वाली ट्रेन ऐसे आई, ऐसे आके पूरा 2.1 किलोमीटर तक यहाँ आएगी, प्लस अपना भी तो डिस्टेंस आगे जाएगी ना, उसे पूरा क्रॉस करना, ट्रेन का कोई भी पार्ट ब्रिज में नहीं चाहिए, तो 400 प्लस, बात समझे समझे भाई, ये है टू, चलो 2100 मीटर ले लो, 2100 मीटर और ये है ट्रेन, तो ट्रेन भी तो 400 मीटर लंबी है, ट्रेन भी तो 400 मीटर लंबी है, तो ट्रेन जब यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आगे पूरा क्रॉस करेगी ना इसे करके, यानी ये 400 मीटर उसे अपना भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो ब्रिज की लंबाई या कह लें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 मीटर प्लस 2100 मीटर, 2500 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 2500 मीटर अपॉन, नीचे क्या लिखना, स्पीड टाइम के ऊपर ले लिया। अब स्पीड किस में दी गई है, सर स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, हमने लेंथ जो ली है हमें डिस्टेंस मीटर में लिया, तो कोई बात नहीं, स्पीड को हम किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में। देखो अगर ये मीटर में है डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर बताया था, 18 1 18 2 36 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड होती है, बस यहाँ पे स्पीड लिख देंगे नीचे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से 10 काट देंगे तो 250 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, आ गया आंसर सेकेंड में, सेकेंड ये रिसीवर प्रकरण के ऊपर आ जाएगा, तो 25 सेकेंड आ गया। तो 25 सेकेंड लगेंगे कुल मिलाकर ट्रेन को ब्रिज में कवर करने के लिए, ठीक है। 25 सेकेंड कुछ अलग दिखा रहा है क्या, 250 सेकेंड 10 से 10 गया, 250 सेकेंड लगेंगे, ओके 250 सेकेंड को मिनट में बदल लो चाहो तो, डिवाइड बाई 6 करके जो भी आ जाए मिनट में, लेकिन 250 सेकेंड आंसर दिखाया तो भी ठीक है, मिनट में बदल सकते हो,